रखिया। फरमाया हर शाय वादे हो गया, हर शाय वो जी इख्तिसाम मलाया जिसे फरिश्ते झगड़ रहे। फिर पूछा हूँ दस, फरमाया हाँ कफारात और दरादात झगड़ा। ये आपस बहस हो रही है कि वह किड़े किड़े काम है जोड़े करे तो दर्जे बुलंद होंगे नेकियाँ, वह किड़िया नेकियाँ जिद इंसान के गुनाह नालों नाल मिट जाते रबड़ की तरह। वह गिनके भी दसे हजूर क्या दर्जात बयान कर रहा है आ जड़े है कफारात बयान कर। ये दरम्यान गल आ गई कि जोड़ा हर जगह शह शह ले जाना कुल शह, ये नहीं होना चाहिए। सोचा कि गल की हो रही, मैं हूँ सारे खुतबे के बाद आख्या सारी गल समझ आ गई, तुम आख्या जी हर शह समझ आ गई। कोई उठा उन्हें आखो सारे आलम गायब हो गए, कोई अखल किरिया करना, कोई बात बनती जुड़ती किरिया करना कि जिस माहौल गल हो रही गल वही होंगी। इतने भी अल्लाह फरमाउंदा कि अल्लाह पैगंबर ने आख्या हुण बचना कुछ नहीं, तो दम मेरो कुल्ला शायम बेअमरे रब्बे हा, इस हवा ने अपने रब के हुक्म ना, यह भी आप नहीं चल रही, यदि डोर अल्लाह के हाथ आ, अल्लाह के हुक्म ना चलनी है और इन्हें हुण कोई शायद छड़नी नहीं। तबाह फस बहू ला युरा इला मना मसाखिर, वो जरा उत्थे आखे ना कि हमने उनको हलाक कर दिया, वह तरीका की दसा इतने फस बहू जदों दिन चढ़िया ला युरा इला मसाखिर, ना बाग नजर आए ना चश्मे लभे ना इमारत लभियाँ कुछ नहीं लभा, वह आप भी मरे पा गए सिवाए उन्होंने वह मकान जोड़े से खंडर उन्होंने तो सिवा उत्थे कुछ नहीं, उजाड़ पई थी। कदालिक नजल कौम अल मुजरमीन, ऐ अल्लाह ने फरमाया कोई ना समझे ब्याज ना होया समूद ना, इसे भुलेखे पे हो गया होगा होनी होना, हम इसी तरह मुजरमों को बदला दिया करते हैं। एक कानून दायमी है और कभी नहीं खत्म होना। बड़े बड़े बादशाह रगड़ियाँ चाह गए फांसियाँ से चढ़ गया, तो बड़े बड़े जरनैल कुत्तियाँ की मौत मरे है, तुम समझते जी खुदा चला गया किसी वह कानून जरा कभी तरमीम नहीं होंगी, मुजरमों को इसी तरह सजा देते हैं। तो मक्के के काफरों को क्या हूँ भी सानू क्या असं भुल गया तुम कौम के मुकाबले कीजिए, वाला कद मक्कन ना फी माए मक्कन ना कुफिए, तो असा उन्होंने वो इकतदार दिता सी, हुकूमत दिती सी, ऐसा मारो दर दिता सी जिसे तुहाड़े को दसवा हिस्सा भी तुम कुछ भी नहीं उन्होंने मुकाबले वजल नाल हम समा अबसार वफेदा, और कोई पागल लोग नहीं सी, उन्होंने कन्न भी मिले सी, अखा भी मिलियां सी, दिमाग भी, यानी दुनिया के मामलों जो बड़े होशियार तरक्की याफ्ता कौम जानते जा रही सी। फमाग नाल हम समो वाला अबसारों वाला फैदा थम मिन सह, ना उन्हें कन्ना ने ना अखा ने ना दिमागा ने जरा भी फायदा ना दिता। अल्लाह ने आख्या तुम दुनिया के कीड़े बने रहे थे तुम्हें देता दीन वास्ते सोचा ही बनी तुम्हें हम उसकी अकलें की करना। इस गांह यजहदू ना ब्या आया तिल्ला, यह सारा इस पारों होया अल्लाह तला दियाँ आयतों नहीं सी मनते, खुदा दे रसूल जो नहीं मनिया। वहा का बहम मा कानून भी अस्ता दे, जिस शायद ठट्ठा उड़ाते थे ना मखौल करते थे भी इदा होनी है, हो गई फिर लोगों ने देख लिया भी अजकल कर हूँ कड़िया लगियाँ मुआखदे लिए खड़ा है फांसी तैयार है हूँ गल कर हाँ हूँ तेरा इकतदार किथे है, तू बंदा ही नहीं बनता सोचा ही नहीं सी भी कई इस तरह हो गए, कई बारी हो चुकी मगर फिर भुल पैनी। तो अल्लाह तआला फरमाउंदा कि वह कौमे शुएब जी जो नहीं मनिया हमने उनको हलाक कर बिल्कुल तबार बर्बाद करके रख लिया, उन्होंने निशान भी नहीं खुदा ने छड़िया। इन्ना फीदार कराया, ऐ मैं दस्या कि हर रुकू तो बाद आयतं आउंदियां जां दो तीन आयतं दोहराइयां तरजी एक किस्सा रब बयान कर देता और फिर की कहता इन्ना फी ज़ालिक लाया, इस किस्से में बहुत बड़ा इबरत का निशान है, जे तेरा दिमाग टिकाने होवे सुन के कंब जाओ भी खुदा इस तरह करता आंदा आपका दस्तूर है, इदा ही होनी आया नकड़ा लिया इन्ना फी ज़ालिक लाया, पहला इन्ना बाद लाम भी लगा इन्ना फी ज़ालिक आया तन भी नहीं किया लाया, लाम तकीदा कि इसमें जरूर बे जरूर आंखें खोलने के लिए बड़ा सामान है, तुम होश करनी हो तो मैं ऐसा सामान बयान करता कि तुम समझो रमा खान अक्सर मोमिनीन तो नहीं ज़्यादा लोग ईमान लियाँगे। फिर मैं बड़ा समझाया गया एक कौम इदा ही बेईमान मरदियाँ विरला कोई मनता रहा ज़्यादा लाए हालांकि बर्बाद होकर रहेंगी। वैन न रबक लहो अजीज रही, यह टुकड़ा हर एक पिछे आता जिस तो तुम कई बार सुन चुके, मैं फिर दोहराना कि अल्लाह के नड़िनवे नाम जिस आलम ने नहीं समझे वो दीन कोई नहीं समझ सकता, ना फिका ना हदीस ना कुरान कुछ भी नहीं, ये 999 जड़े विरद नहीं कोई भी विरद कराया करोता है, सारा कम इसे तो खराब है, अल्लाह के रसूल की गल नहीं समझ। मन आसा कि जो इन्हों 99 नामों को काबू कर गया जन्नत में दाखिल हो गया, सारा इलम जरा कोई भी किताब ना पढ़ो 99 समय लो मेरे को बह के तुम आप ना आलम हो जाओ तो गल नहीं, तुम खुद फैसला करोगे कि अल्लाह ताला दी शाना की दस दी यार, एक गल खुदा दी शान ना जोड़ खांदी, ये मसला जरा दस दे कोई अल्लाह ताला दे नवां ना मेल है, दीन दी कलीद और चाबी जी अल्लाह ताला दे ना ना दा की मतलब शाना उहदी, इस तो जिहड़ा रहीम खुदा है उहदे बारे च अल्लाह ताला फरमाउंदा इत्थे हर टुकड़े वैन्ना रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम, तेरा रब यकीनन फिर लाम है वो बहुत गालिब है और बड़ा रहम करने वाला, गालिब और रहम करने वाला, गालिब की नतीजा निकलता
कि कोई ये ना समझे कि पकड़ नहीं सकता। बड़े उन्होंने पकड़िया तो पकड़ लेना, कोई उस तो तगड़ा नहीं, कोई उस बाहर नहीं जरा उन्होंने बेबस कर दे, वो गालिब। मगर ये जी मोहरत मिलती है तो तुम समझे हूँ नहीं पढ़िया, पर मैं रहमत अल्लाह की रहमत रोकी खड़ी कि इन्होंने मौका दे शायद तौबा कर लन, वरना यह ना समझो बस होया या उन्होंने खबर है। ए हर टुकड़े तो बाद जिन्ने किसे से आया पिछों आता वह इन्ना रब अकल हो अल्लाह की सुन ले, तेरा रब गालिब है, हर शहर से उसका इकतदार है, मगर रहीम बहुत रहीम है। अरे हदीस पाक से आया, कुरान से भी इशारा निकलिया, हजूर ने कोई हदीस ऐसी नहीं फरमाई जैसे इमाम साहब भी आता जो मुड़ कुरान से नहीं, मगर हर बंदा नहीं सी समझ सकता, साढ़े बस की गल नहीं सी, अल्लाह ने अपने रसूल में इन्नी दनाई दी थी उन्हें कुरान से ही समझ के सारा बयान कर, इस तो यह भी वही दे बराबर हो गई क्योंकि पैगंबर का फहम सारे जान तो बाला था। कुरान ने आख्या सी की किया कि जो दुनिया जमीन आसमान रब ने बनाई तख्त पर बैठा तो किया, फिर किस शान ना बैठा, ना कहार बन के बैठा, ना आदिजन दुन काम बैठ के, अर रहमान वाला रिश्ता जदों हुकूमत चलानी शुरू की दुनिया का इंतजाम संभालिया उस अपने आप में क्या रहमान की शान है, मैं रहमान बन के दुनिया से हुकूमत करनी है, जिन्ना हो सकया अजाब में टालना मौका देना, नबी रसूल भी भेजने तदे भी इन्हों हदायत आ जाए ना जहर चखन, वह भी थोड़ी बेहतरी कर रहा, और जदों फिर अजाब आ भी कोई रहमत के खिलाफ नहीं, रहमतों की गंदगी इन्नी हो गई भी तो के समुद्र सिर दे खलके खुदा सारी रोन रही है उन्होंने जान छुड़ा, इस तो अजाब रहमत कुरान ने रहमत किया और तदे क्या जो फिर अजाब आ अल्लाह के नबी रसूल उस आँदे शुक्र है उस अल्लाह तला जिन्हें जालमान तो सारी जान छुड़ाई, वो रहम हो रहा हूँ तो मुड़ की रहम बेत्याज मिलती है। इन ही अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक तख्ती लिख ली और अपने अगे उन्होंने ला लिया अर्श से जिस लिख लिया कि रहमत ही वसअत गज़ब, सबकत गज़ब, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब, मैं गज़ब नहीं ज़्यादा करना, रहमत के तहत हुकूमत चलानी, मगर ये रहमत धोखा देना। सुबह मैं तिलावत की उस भी सवाल किए साथियों ने कुरान पाक ने किस अंदाज ना की, रब की कसम शर्म आती तो रोना आता, रब किस किस पे आ जाता, या आई हर इंसान माँ कर रहा कभी रब कल कर, एडा प्यारा सवाल है, जिमें माँ आख्या पुत तू यह जी प्यारी माँ को भुल गया, भुलना भी सी किसी होर भुल जानो मैनू भुल गया जिन्हें एडा लाडा ना पालिया, एडा सवाल उन्होंने किया या आई हर इंसान, वह इंसाना माँ कर रहा कभी रब कल करीम, वह कि शैतान सा रामदादा निकलिया जिन्हें तेन अपने रबे करीम के बारे धोखा दिता, रब जरा तेरे नुथे तो लह के हर वक्त तेरी हर जरूरत पूरी कर रहा और करीम कोई मुआवजा नहीं लै रहा, तू कोई दरखास्त नहीं दिखी मुफ्त तेन दे, तू उस रबे करीम के बारे धोखे, अल्लाह जी खला कका जिन्हें तेरा डिजाइन बनाया फसल वाका फिर तेन ठीक ठाक किया हर शायद तेरे जिसम फिर सुम आदला का फिर एन ट्यूनिंग दुरुस्त करती कितने भी ना खलर रहन दिता तू उस खुदा छट बैठ, यानी अल्लाह पाक घेर घेर के लिया मैं रब न पहचानो दसे किस फलसफे मंतकों फसे जे इन्हों फलसिया मंतकों में कुछ लभा है फलसफा जिंदगी से दूरी इसकी तकदीर में हजूर इन्हों फूल बुराइया जी फसाया, हालांकि सीधी गल भी खुदा न पहचानो मैनू कहन पैदा कर दो मैनू इन्नी काबिलियत कहन देती वे एहसान समझ के वे थले आओ वे प्यार करो सारी उम्र इसे बुखार अल्लाह है कि नहीं। बहुत इकबाल ने अच्छी प्यारी बात कही भी जंगल से उसे एक ऊंट बच्चा कहेगा बाबा जी एडे लंबे चौड़े जंगल मैं खुदा नहीं कितने देखे, उन्हें आख्या पुत्र जिदन डिगेगा तो लत टूटूगी ना उस दिन तेन रब भी दिस पैना तो तेनों अपना आप भी दिस पैना, सदमा जिदन होया ना उस दिन आपे हो सारी कोई खुदा जिन्ना चर फिट लड़ती ना खाते पीते है वेले बैठे ड्राइंग में और बहस करो अल्लाह पर मैं अल्लाह मना दूंगा जिदन पुत तेन उन्हें ठीक किया ना आपे हो सदनी होने लगे ही पता वे खुदा हैगा, इस तो खुदा पहचानो अल्लाह के पैगंबर ने जो दसिया और जिदा नमूना हूँ भी वेख रहे हैं भी बंगले कोठियाँ बना रहे अगे तो अगे एक तो गुजारा हो सकता दस दस बनाई जाते वह भी इन्ने इन्ने कनालों से भी इतने की करना तुम है दो चार मरले का मकान हो तू तेरी औलाद सारी उम्र गुजार सकती सादा दिया मकान साफ सुथरा खुशबूदार ठीक है बना ला पुख्ता मगर ये सोना चाहती और इतने मैं जमन कह दिया कि एक ने सवाल किया तो मौलाना सुना जवाब कोई नहीं आया साल साहब क्योंकि झूठे जो है और बरेलवी ने किया यार असं झंडिया ला लेने फजूल खर्ची का कह देंगे और मक्के मदीने की हो रहा उन्होंने मस्जिदों से सोना चढ़ाया उत्थे मनारियां चढ़ाया तो काबे के दरवाजे चढ़ाया वह क्या दीन दसदा और काबे ने की सोना करना जवाब कुछ भी नहीं है नहीं जी वो शुरू तो हो रहा बिल्कुल झूठे यकीन जानो वह भी जुर्म है कोई नेकी नहीं जुर्म अल्लाह के रसूल ने कुछ सोना चढ़ाया यजीद मलो ने जिन्हें सारे तो पहला रेशम का गिलाफ चढ़ाया एक बीस यही कर रहे असं काबे से चढ़ के दाना दीजिए यानी टोंग रचाओ लोगों को बेवकूफ बनाओ दीन की जड़ वढ़ो योजा जारी दीनदार बने रहो कोई जरूरत नहीं अरबा रुपया गिराफ से लगता जी सोना बिचों नहीं लगा कि दीन ये दसदा